हल्द्वानी नगर निगम अब सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सख्त एक्शन की तैयारी में। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है, लिहाजा व्यापारी बड़े पैमाने पर यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। नगर निगम ने अब सभी व्यापारियों को 19 जनवरी तक का समय दिया है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि जिनके पास भी सिंगल यूज प्लास्टिक है वह तत्काल उसे नगर निगम में जमा करा दें। 20 जनवरी के बाद जिस दुकान या प्रतिष्ठानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगा या उसका उपयोग करता हुआ पाया जाएगा उसका चालान करने के साथ ही दुकान भी सील की जाएगी। मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि अब तक 250 से अधिक चालान कर 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। बावजूद इसके सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा है। साथ ही जानकारी मिली है कि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को गोदामों से हटाकर घर में स्टॉक कर रहे हैं, जिसको लेकर अब 20 जनवरी से नगर निगम बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक का अधिकारिक रिपोर्ट। कि सिंगल यूज प्लास्टिक भारत सरकार की जीओ से, उत्तराखंड सरकार की जीओ से और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से प्रतिबंधित है। इसको रोकने के लिए अवेयरनेस, बड़े पैमाने पर अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए हैं, पंपलेट वितरण किए गए, पेपरों में छपाया गया है और अनाउंसमेंट कराया गया है। और बार बार जब छापेमारी की कार्रवाई करते हैं उसके लिए समाचार पत्रों में आते हैं, मीडिया में चलते हैं, सोशल मीडिया में चलते हैं, उसके माध्यम से भी लोग अवेयर हैं। लेकिन उसके बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण और उपयोग नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह से अभी तक नहीं रुक पाया है। इसको लेकर के हमने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि 19 तारीख तक जिसके पास सिंगल यूज प्लास्टिक है वो नगर निगम में स्वेच्छा से जमा कर दे।